वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपको बताने आ रहा हूँ 6/1/2018 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, उसमें देख सकते हैं आप किस तरह से एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। बहुत ईजी था पेपर, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए आप देख सकते हैं इसके, अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में जो आप देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। आप इनको जब भी जाएं तो डेफिनेटली उनको आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं। देखिए पहले बांग्लादेश की मुद्रा पूछी गई थी, सेकंड काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता हो कहाँ पर है, आरबी का हेड कौन है, रेल मिनिस्टर कौन है, मलेशिया की कैपिटल कौन है, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी गई थी। नेक्स्ट था गुजरात की राजधानी कौन है, उसका सीएम कौन है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश की भाषा सीएम और उसका कैपिटल क्या है, तो वो सारी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितना मेरे को अभी बच्चों ने बताया वो उसके बेसिस पे मैं इन सारी जानकारी को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे 5 से 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट वाले आए थे, यानी कि आपने देखा होगा एक वर्ड वो देता है और उसमें तो पूछता है कि इसका इनकरेक्ट 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्पेलिंग जो दे रखी है वो गलत है, तो इस तरह से भी इनकरेक्ट करेक्ट से क्वेश्चन आए थे। एरर्स की बात करें तो एरर्स से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी बहुत ईजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अगर हम बात करें एंटम्स रनम्स की भी बात करें तो बहुत ईजी पेपर आया था। बैटर का जैसे पूछा था, बैटर का एंटम्स क्या होता है, राइट ना, गुड बैटर क्या होता है, तो डिग्रीज के बारे में पूछा गया था। तो मैं ओवरऑल जो इंग्लिश का पेपर आया था बहुत सरल था, और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे सॉल्व पेपर्स यूज़ अगर आपने वहाँ से प्रैक्टिस किया होगा तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है। कुछ टफ था ही नहीं, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हुए थे उनसे बाहर कोई एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन पर भी अच्छी से कमांड अपनी पोजिशन ले लीजिए। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर 3 से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ईजी था पेपर, कुछ टफ नहीं आ रहा है। अगर बात करें हम एज प्रॉब्लम से पूछा गया था 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज से बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशो से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क की बात करें तो इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बट बहुत ईजी था, वो रेशियो के ऊपर डिपेंड था। अगर हम बात करें बोर्ड एंड स्टीम से भी पूछे गए थे, डाई जो आपने देखा वो डाई यानी डीआई से पूछे गए थे 4 से 5 क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है, आप उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हम बात करें रिलेशनशिप से संबंध आपसे पूछा गया था। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग का भी पेपर बहुत इजी आया था, जिससे कि उसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, कोडिंग डिकोडिंग आया था, बहुत इजी था। ऑड वर्ड्स आपसे पूछा गया था, अगर हम बात करते हैं कि जिसे मान लीजिए कि कोई वर्ड दे रखा है उसका ऑड आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑड क्या है। अगर हम बात करें एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें पजल्स की, तो पजल्स वो ग्राउंड फ्लोर से रिलेटेड पजल्स वहाँ से पूछी गई थी, जो कि बहुत ईजी थी। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, इसे भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आसान थे। ग्राउंड फ्लोर पजल पूछी गई थी, जैसे कि आपने देखा होगा नीचे एक ग्राउंड पर एक फ्लोर है, फिर उसके ऊपर दूसरा मकान है, तीसरे, तो इस रिलेटेड इस तरह से पजल आई थी, बट ओवरऑल सिंपल थी। सीरीज टेस्ट की बात करें तो इसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं ए बी बी सी इस तरह से सीरीज जो आपको जमानी पड़ती है उसके बारे में बात किया गया था। लास्ट आया आपका डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि ईस्ट वेस्ट, अगर 5 किलोमीटर ईस्ट में जाता है उसके बाद वो पश्चिम में जाता है 2 किलोमीटर, तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। ओवरऑल एग्जाम बहुत इजी है, आप सिर्फ अच्छी तरह से एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, और मुझे सपोर्ट और इतना प्यार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।